हर बुधवार पुलिस आपके द्वार के तहत एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कैंट थाने पर रात्रि चौपाल लगाया। इस दौरान कैंट थाने पर कुछ फरियादियों ने एसएसपी को जमीन से संबंधित मामलों से अवगत कराया, जिस पर एसएसपी ने फरियादियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि रात्रि चौपाल में जो मामले आए हैं उसका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा, रात्रि चौपाल का अर्थ है कि फरियादी अपनी बात अधिकारियों तक सीधा पहुंचा सके तथा पुलिस और जनता के बीच आपसी समन्वय स्थापित हो सके। इस अवसर पर दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे और मंत्री आलोक चौरसिया ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा से कहा कि भालोटिया मार्केट में पहले पुलिस पिकेट लगती थी, लेकिन जब से कोरोना संक्रमण आया तब से पुलिस पिकेट हटा ली गई है। उन्होंने भालोटिया मार्केट में पुनः पुलिस पिकेट लगवाने की मांग एसएसपी से किया, जिस पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान कैंट थाना प्रभारी सुधीर सिंह, इत्यानंद पांडे, विशाल शुक्ला, गौरव सिंह, रविंद्र चौबे, विंध्याचल शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, जो सबको नाम नोट कर सकते हैं, साइड में रात में बहुत मीटिंग है, 11 बजे रखिए, 10 बजे दूसरे वाली, 10 बजे दूसरी वाली के सर्कुलेट होगी, हो सकती है तो उसकी कागज का नाम लिखवा देना, फोन नंबर का नाम, मोबाइल नंबर। हाँ, हाँ सुबह बैंक चेकिंग का समय होता है 10 से 2 बजे, हम जो घटना है 11 से 4 बजे के बीच में हो रही है। 11 से 4 आपको घूमना चाहिए, आपके क्षेत्र में कौन से बैंक हैं, कौन से वित्तीय संस्थान हैं, कितना मुथूट फाइनेंस का है, कितनी सराफा की दुकानें हैं, कौन कौन लोग पैसा ले जाते हैं, पेट्रोल पंप वाले हैं, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। सबके पास आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, सबको आपका फ़ोन नंबर मिलना चाहिए, मुझे पता होगा तभी तो ना आप कुछ गश्त लगाओगे वहाँ पे। 11 से 4 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर सोमवार को या छुट्टी के बाद जब बैंक खुलते हैं वो दिन, तो ये आपको पता होना चाहिए। पैसा वैसा जमा करते रहते हैं, रात को कलेक्शन करते हैं अपना, फिर बेचते हैं, ये आपको पता होना चाहिए भाई। और आप और क्या जानकारी, यही तो एरिया डोमिनेशन है, जो मैं कह रहा हूँ कि आपको क्षेत्र की हर आदमी को पता हो, उसका उसकी आपकी नज़र है। हाँ जी, बाकी हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर विपिन है और मैं एसएसपी जोधपुर हूँ। अभी हाल ही में एक महीना भी नहीं हुआ मुझे ज्वाइन किए, तो ये हमारा प्रयास है कि हर बुधवार को हम रात्रि में थाने पर रुकते हैं अधिकारीगण, और वहाँ के लोगों से मिलते हैं, पुलिस वालों से मिलते हैं, जो मुकदमों के वादी हैं, जिनको कोई समस्या हो, कोई पीड़ित हो, उनसे मुलाकात करते हैं और जानकारी करते हैं। तो आज इसी क्रम में आप लोगों से मिले हैं, आप सभी को यहाँ बुलाया गया है, आप सभी समय निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हम पहले एक बार परिचित हो जाएं आपस में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करें, यहाँ से अभी तो पर्चक्रम चल रहा है बात। सर, मैं रजही गांव का पूर्व प्रधान हूँ और महानगर मंत्री भाजपा प्लेन गोलघर से हम मैनेजर बोल रहे हैं, अष्टभुजा प्रताप के। सर, मेरा नाम है अखिलेश यादव, हम बिहार से आए हैं, गोपालगंज निवासी है, और कुछ भ्रमण तौर पर जो यहाँ की कॉमन समस्याएं हैं थाना क्षेत्र की, कोई आपका सुझाव हो जो आप देना चाहते हो, कोई ऐसी युक्ति हो आपके पास, तो 7 से 8 तक जिनके वजह से, जैसे जो मोदीपुर से सीधे देवरिया कनेक्टिविटी, देवरिया और कुशीनगर की मोदीपुर ही एग्जिट पॉइंट है, तो उसी रास्ते लोग जाते हैं। और पेट्रोल पंप जो आपका चौराहे पे है, चौराहे से आरकेबी के नियर अबाउट आप मान के चलो 800 मीटर की दूरी है, उसमें 8 कट हैं डिवाइडर पे। तो मेरा एक ये मतलब व्यक्तिगत सुझाव है कि अगर उन कट को कम कर दिया जाए,
जाम की समस्या अपने आप खत्म हो गई। मोदीपुर चौराहे से आरकेबी के जो पुलिया है रामगढ़ ताल वाली वहाँ तक, तो वहाँ कैंट थाने से पहले पुलिस पिकेट लगती जो कि हटा ली गई है। बीच में कई बार वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन जब पुलिस पिकेट लगती थी वहाँ तो ये सब चीज़ें रुक गई थी, क्योंकि पुलिस वहाँ टहलती रहती थी और पुलिस रहती थी तो हम लोग भी टहलते थे, कोई ऐसे तत्व को देखते थे तो रोक के बीच में पूछते भी थे, तो इस तरीके की परेशानियाँ आती थी। तो आपसे अनुरोध है कि अगर पुलिस पिकेट भरोडिया मार्केट रेगुलर ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और पहले यहाँ पे बंदे का सुचारू रूप से ट्रैफिक बहुत नियंत्रण रहता था, तो वही ना बोले को बंदे को लागू किया जाए, पेशेंट के हॉस्पिटल थे वहाँ पर थोड़ा चार बजे थोड़ा बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर की देख पे है और इन्वेस्टिगेशन टाइम से सुंदर की है, तो जनता चौराहे को ऑलमोस्ट ट्रैफिक टिकट लगी ही हुई है, तो वहाँ मेडर हो जाएगा। तो पहले बन गई व्यवस्था थी और उसमें पेशेंट अगर पूछना रहता था तो एम्बुलेंस जाते थे तो लौट के आ जाती, अगर ये बन गई की व्यवस्था हो जाए और थोड़ा मोबिलिटी और पुलिस होगा तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक समस्या से निदान हो जाएगा। थैंक यू। तो मिली और भीड़ भाड़ में कई लोग के बारे में बात है, अगर नंबर ऑफ गाड़ियाँ भी अगर तक चल होती है पेशेंट की व्हीलर मैक्सिमम टू व्हीलर से कैद होती है, तो बंदे इमिडिएटली किसके वजह से आगे वाले कॉलर से लगे हार्डली 100 मीटर में लगी थी, लेकिन मैक्सिमम पार्किंग है नगर निगम के, सर नगर निगम की पार्किंग है, ये कसिया रोड कहलाता है सर, कैंट चौराहे से लेके मतलब ये कैंट थाने तक कचहरी तक वाला रास्ता है नहर है, वहाँ पे पूरा लंबा कट है, नहर के बाद फिर आर के बिकिया और नहर के बीच में दो कट है, तो जैसे तो मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है कि गुरुद्वारा और गोपाल मंदिर ये दो जगह, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा भीड़ पास करती है इधर से, जो मन करता है इधर से उधर मोड़ दिया सिटी की तरफ, उधर से आए उधर मोड़ दिया, कोई कंट्रोल नहीं। मोतीपुर चौराहे पर जाम की बहुत बड़ी समस्या थी, एडीजी जोन साहब ने जब से मोतीपुर चौराहे को गोद लिया तब से वहाँ जाम की समस्या खत्म हो गई, ये आज नहीं ये 10 साल से समस्या थी, चौराहे का उन्नीकरण भी हुआ, रास्ता 2 वे था वो 4 वे हो गया, पूरा चौड़ा हो गया, तो जिससे ये कड़ी भी है क्योंकि मैं स्वयं देखता हूँ ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर काफ़ी है। इसमें मुख्य समस्याएं जो मुझे नज़र आती है, एक तो पार्किंग की समस्या है, कहीं भी पार्किंग चिन्हित नहीं है आपके यहाँ, जो अनपेड पार्किंग है उसको लोग यूज़ नहीं कर रहे मुझे लगता है, रोड साइड पार्किंग पे ज़्यादा जोर है, और जब रोड साइड पार्किंग कर रहे हैं तो वो बेतरतीब पार्किंग कर रहे हैं, कई जगह मैं देखता हूँ गाड़ी सड़क के बीच में रोड को, तो ये हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जो आपने वन वे की बात बताई है तो इसको एक पूरा सिटी का एक स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वन वे के लिए आपको गोल रास्ता होना चाहिए, तो जो हाँ गोल रास्ते हैं उन पे हम प्रयास करेंगे, छोटे छोटे रूट पे वन वे करने का, इसको स्टडी करने के बाद ही हो पाएगा, पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, इसके बाद हम इसको क्रियान्वयन करेंगे। और जहाँ तक कट की बात है तो ये मेरे ख्याल से नगर निगम देख रहा होगा आपने यहाँ पर, तो उनसे भी बात करके मैं प्रयास करूँगा कि कट का भी जहाँ ज़रूरत है वहीं रहे और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बंद हो जाए। पचास
आज पूरे जनपद में 16 थानों पर गजेटेड अधिकारी गए हैं, जहां पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है। उद्देश्य यह है कि ये गजेटेड अधिकारी यानी कि मैं स्वयं एसएसपी, एडिशनल एसपी, सीओ, ये थानों पर रात्रि में रुकेंगे, बुधवार की रात्रि में, और रात्रि में जो भी पब्लिक की समस्याएं हैं उनको सुनेंगे। जो वादी हैं, जिनके मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कार्रवाई अपेक्षित है, उसको सुनेंगे। जो पुलिसकर्मी हैं उनकी बात भी सुनेंगे, उनको आवश्यक दिशा निर्देश देंगे, और जो शिकायतें आती है उसके निस्तारण का प्रयास करा जाएगा। जिसमें ज़मीन संबंधित मामले आज ज़्यादा आ रहे हैं, मैं थाना कैंट पे हूँ, जहाँ पर कि ज़मीन संबंधित मामले ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वादीगण भी आए हैं, जिनके पूर्व के मुकदमे हैं दहेज प्रताड़ना इत्यादि के, तो उसमें भी बताया गया है, कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं, और कुछ में कार्रवाई हो चुकी है जिसमें वादीगण को सूचना नहीं है, तो उस कार्रवाई से अवगत कराया गया है उन्हें। साथ ही साथ जो क्षेत्र के संभ्रांत लोग हैं, व्यापारी हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनसे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सुझाव लिए गए हैं, समस्याओं की जानकारी की गई है, और किस प्रकार से पब्लिक और पुलिस के सहयोग से मिलकर इन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई है। जिसमें काफ़ी इसमें मदद मिल रही है, जो जन समस्याएं हैं उनके निस्तारण में, हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनकी समस्याओं के निस्तारण के बारे में, जो हमारे अभियान चल रहे हैं विभिन्न प्रकार के, उसकी जानकारियां उनको दी जा रही है। तो इससे एक प्रकार से पुलिस में भी नई चेतना का संचार हो रहा है, और जब रात्रिगण थानों पर रुकते हैं, जब अधिकारीगण थानों पर रात्रि में रुकते हैं, तो उससे थाने का जो कार्यप्रणाली है उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है, और ये लगातार जारी है। और हर बुधवार की रात्रि में अधिकारीगण जाकर नियत थानों पर रुकते हैं और वहाँ जनता और पुलिसकर्मियों से वार्ता करते हैं।